हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का लेसन नंबर 2 एरे जो होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। एरे सिमिलर डेटा टाइप की एक से ज्यादा वैल्यूज को अपने अंदर स्टोर करता है। यानी कि एरे किसको कहते हैं? जब हम एक ही डेटा टाइप की बहुत सारी वैल्यूज को एक साथ मेमोरी में स्टोर करते हैं तो ये काम एरे के थ्रू हम कर सकते हैं। एरे की वैल्यूज ऑलवेज जीरो से स्टार्ट होती है, यानी कि एरे जो होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है। एरे दो टाइप के होते हैं, सिंगल या वन डायमेंशनल एरे, एकल या एक आयामी एरे, और मल्टी डायमेंशनल एरे, 2D एरे यानी कि बहुआयामी एरे। जो एकल या एक आयामी एरे होता है उसमें एक ही सबस्क्रिप्ट का यूज किया जाता है, यानी कि या तो केवल रो में सारे डेटा स्टोर होंगे या तो केवल कॉलम में सारे डेटा स्टोर होंगे। और जो बहुआयामी एरे होता है उसमें रो और कॉलम दोनों मिलकर के एक टेबल क्रिएट करती है और उस टेबल में हम सारी के सारी वैल्यूज को स्टोर करते हैं। तो जो 1D एरे होता है, एकल या एक आयामी एरे, उसके बारे में मेजर बात यह है कि उसमें एक सबस्क्रिप्ट का उपयोग किया जाता है। और उसको कैसे, वो जो दिखने में ये कैसे होती है, 1D एरे जो होता है वो एक सीक्वेंस में, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, इस तरीके से 1D एरे में वैल्यूज स्टोर होती है। यानी कि एक रो में या एक कॉलम में सारी के सारी वैल्यूज सीक्वेंस में स्टोर होगी। 1D एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं? हम सब जानते हैं कि सी लैंग्वेज में, C++ लैंग्वेज में अगर हम किसी भी चीज को यूज कर रहे हैं, वेरिएबल है, चाहे एरे है, कुछ भी हो, चाहे क्लास है या फंक्शन है, हर चीज को पहले डिक्लेयर करना पड़ता है कि हम इसको आगे यूज करने वाले हैं। तो जब हम एरे को भी पहले यूज करेंगे तो उससे पहले हमको उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिक्लेयर करने का जो फॉर्मेट है, जो तरीका है, वो भी सेम ही चल रहा है। सबसे पहले डेटा टाइप, फिर उसका वेरिएबल नेम यानी कि एरे का नेम, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका मैक्सिमम साइज कि हम उसमें कितनी ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज को स्टोर करना चाह रहे हैं। डेटा टाइप में हमें पता है कि हम कौन से टाइप का डेटा उसमें स्टोर करेंगे, वो हम डेटा टाइप लिखेंगे। जैसे इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, मेनली हम इन्हीं के साथ में काम करते हैं। वेरिएबल नेम या एरे के नेम की जगह पे हम अपनी मर्जी से जो हम नेम देना चाहते हैं वो हम एरे का नेम लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में उसका मैक्सिमम साइज लिखेंगे कि कितनी वैल्यूज हम उसके अंदर स्टोर करवाना चाहते हैं। तो ये इसका सिंटेक्स है और एग्जांपल हमारे सामने है। जैसे इंटीजर डेटा टाइप में एरे का नाम है ग्रुप और स्क्वायर ब्रैकेट में हमने 10 लिखा है, तो यानी कि मैक्सिमम साइज एरे का 10 है, 10 से ज्यादा वैल्यूज उसमें स्टोर नहीं हो सकती है। 1D एरे को इनिशियलाइज करने के दो तरीके होते हैं, कंपाइल टाइम और रन टाइम। कंपाइल टाइम और रन टाइम कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि जब हम एक एरे को डिक्लेयर कर देते हैं उसके बाद उसमें वैल्यूज को स्टोर करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हम प्रोग्राम लिखते टाइम ही उन वैल्यूज को स्टोर कर दें, वहीं पर हम बता दें कि हम कौन कौन सी वैल्यू एरे में स्टोर करना चाह रहे हैं, और या तो फिर रन टाइम इनिशियलाइजेशन होता है जिसके अंदर ये होता है कि जब यूजर प्रोग्राम को रन करता है तब वो रन टाइम में वैल्यूज बताता है कि कौन कौन सी वैल्यू उसको स्टोर करवानी है। तो यानी कि कंपाइल टाइम जो होता है वो कंपाइल से पहले ही हम उसमें वैल्यूज को लिख देते हैं, बता देते हैं कि हमें कौन कौन सी वैल्यूज के साथ में काम करना है। जब हम कंपाइल टाइम इनिशियलाइज करेंगे तो जैसे हमने डिक्लेयर करते टाइम देखा था, पहले डेटा टाइप फिर एरे का नेम और उसका साइज। अब हम क्या करेंगे, जैसे इस एग्जाम्पल में दिख रहा है इंटीजर नंबर 3 इक्वल्स टू करली ब्रैकेट में हम वो वैल्यूज दे देंगे जो हम एरे में स्टोर करवाना चाह रहे हैं, जैसे कि 0, 5 और 4। बुक में हमारे सामने 3 वैल्यूज है, 0, 5 और 4, तो हम जो भी 3 वैल्यू देना चाह रहे हैं वो कंपाइल टाइम के लिए हम यहीं पर उनको लिख देंगे। तो यानी कि जब यूजर प्रोग्राम रन करेगा तो उसको अलग से कोई वैल्यू देनी नहीं पड़ेगी एरे के लिए, यानी कि जो वैल्यू पहले दी जा चुकी है यही हमारी फिक्स वैल्यू हो जाएगी। तो रन टाइम इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, जब यूजर प्रोग्राम को रन करता है तब वो उस समय अपनी मर्जी से कुछ वैल्यूज प्रोग्राम को देता है। तो जब यूजर अपनी मर्जी से प्रोग्राम को एक से ज्यादा वैल्यू देगा तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो लूप लगाना पड़ता है। तो हमने फोर लूप लगाया, फॉर एक आई टेम्पररी वेरिएबल लिया है, उसके साथ हम इस लूप को लगा रहे हैं। तो जैसे आई है तो आई इक्वल्स टू 0 इसलिए किया है क्योंकि एरे की वैल्यूज हमेशा ही 0 से स्टार्ट होती है। फिर आई शुड लेस देन 10 और i++, यानी कि एरे में मैक्सिमम 10 वैल्यूज है तो लेस देन 10 और i++ करेंगे, और scanf फंक्शन के थ्रू हमने उसमें इनपुट करवा लिया अपना। ये हमारा रन टाइम इनिशियलाइजेशन है, यानी कि इस तरह से यूजर जो है वो रन टाइम में वैल्यूज को स्टोर करवाता है। एक हमारे सामने 1D एरे का प्रोग्राम है, हम 1D एरे को एक प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे कि कैसे 1D एरे हमारा काम करता है।
सबसे पहले हैश इंक्लूड एसटीडीओ डॉट एच, ये हमारी हेडर फाइल है, हम सब जानते हैं, हमने इसको बहुत अच्छे से यूज किया है। इसके बाद में हम एक हेडर फाइल का और यूज करते हैं, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। तो जो कोनियो डॉट एच होती है वो प्रोग्राम में आउटपुट को देखने के लिए यानी कि स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हम एक फंक्शन लगाते हैं गेट सी एच, उसके लिए हम वो कोनियो डॉट एच हेडर फाइल का यूज करेंगे। फिर वॉइड मेन के अंदर एरे को डिक्लेयर किया गया इंटीजर एरे 5, i, i इसलिए क्योंकि हम रन टाइम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं तो हमें फोर लूप लगाना पड़ेगा, उसके लिए हमने यहाँ पे i लिखा है। प्रिंटफ एंटर 5 नंबर्स टू स्टोर देम इन एरे, यानी कि ये लाइन एज इट इज रन टाइम पे हमारे सामने प्रिंट होके आ जाएगी, यूजर को ये लाइन नजर आएगी, तो वो उसका यूजर का काम क्या होगा नेक्स्ट, पांच वैल्यूज स्टोर करने के लिए हमें फोर लूप लगाना पड़ेगा और उसको 5 तक चलाना पड़ेगा। फॉर i इक्वल्स टू 0, i शुड लेस देन n और i प्लस प्लस, और उसके बाद में स्कैनएफ में परसेंट डी एम परसेंट एरे आई से क्या होगा, 5 वैल्यूज यूजर जो है वो इनपुट ले लेगा स्कैनएफ फंक्शन के थ्रू। फिर प्रिंटफ एलिमेंट इन द एरे आर, ये लाइन एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी क्योंकि ये हमने डबल कोटेशन में लिखा है, जो चीज हम डबल कोटेशन में लिखते हैं वो सिर्फ स्क्रीन पे प्रिंट होने के काम आती है। फिर फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई शुड लेस देन 5 और आई प्लस प्लस, ये क्यों लगाया दोबारा लूप, क्योंकि हमने जो 5 वैल्यूज यूजर से इनपुट ली थी हम उन्हीं 5 वैल्यूज को स्क्रीन पे प्रिंट कर रहे हैं। तो प्रिंटफ करेंगे एलिमेंट स्टोर एट ए परसेंट डी, यानी कि लोकेशन बताएगा कि कौन सी लोकेशन पे हमने एलिमेंट स्टोर किया है, 0, 1, 2, 3, 4, और फिर हमने एरे आई के थ्रू हम ये क्या करेंगे, वैल्यूज जो है वो प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन पे, जितनी भी यूजर वैल्यू देगा वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। तो जैसे इसका आउटपुट आएगा एंटर 5 एलिमेंट इन द एरे, फिर यूजर ने 5 एलिमेंट्स दिए 23, 45, 32, 25 और 45, ये 5 वैल्यूज जो यूजर ने दी है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी, एलिमेंट स्टोर्ड एट A0 इक्वल्स टू 23 और इसी तरीके से A1 इक्वल्स टू 45, A2 इक्वल्स टू 32 और इस तरीके से 5 वैल्यूज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। तो ये हमारा 1D एरे था जो कि हमने प्रोग्राम भी देखा, डिक्लेरेशन, उसका इनिशियलाइजेशन, रन टाइम, कंपाइल टाइम दोनों टाइप का, और उसका प्रोग्राम किया। तो इतना वर्क आप सभी अपनी नोटबुक में कर लेंगे। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा 2D एरे के लिए होगा। थैंक यू।